Describe a time. Describe a time when you forgot something very important. और इसके लिए आपने लिखना है किन पॉइंट्स पे, when it happened, what you forgot, who you were with, and what was the result of your forgetting, and explain why it was important. सबसे पहले तो ये प्रोनाउंसिएशन देख लें, it's not forgot, it's forgot. It's not forget, it's forget. हम यानी इस वर्ड के जो दो पोर्शंस हैं, दो सिलेबल्स हैं ना, फॉर गेट, फॉर और गॉट, तो दूसरे वाले हिस्से पे जोर देते हैं, फॉरगॉट ना के फॉरगॉट. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा. हियर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द टाइम व्हेन आई फॉरगॉट समथिंग इम्पोर्टेंट. यानी मैं आपसे एक ऐसा वाक्य शेयर करने जा रहा हूँ जब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी, आई फॉरगॉट दैट. वंस आई बोरोड समथिंग यूजफुल. एक दफा मैंने कोई बहुत यूजफुल चीज जो है मुझे किसी से बोरो करनी पड़ी थी. इट हैपेंड अ फ्यू मंथ्स अगो. ये कुछ मंथ्स पहले की बात है. व्हेन आई हैड टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट एग्जाम. जब मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम है उसको अटेंड करना था फॉर माई अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन. ओके, अच्छा इसमें जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, इसका सिनोनिम राबिया बताएं. Important. कोई और बता दे. Significant. बिल्कुल सही. Significant. And I borrowed. Borrow का मतलब क्या है? What is the synonym of this word? On हो सकता है मैम. क्या हो सकता है? On. Yes, you can say. Borrow means किसी से कोई चीज जो है वो यूज के लिए लेना. To take something that belongs to someone else. ठीक है, उसे खुद मांगना, उसको हम बारो कहेंगे. लेकिन जब कोई खुद दे देता है तो उसको लेंड कहेंगे. L-E-N-D. L-E-N-D. Okay. It happened a few months ago. इसमें फिर ये फ्रेज आ रही है a few months ago. यानी इसमें डिफरेंस है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू. आ फ्यू का मतलब है कुछ महीने. यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक दो माह पहले की बात नहीं है, तकरीबन 7-8 months जो है वो पहले की बात है. सो हम इतने ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे आ फ्यू, ना कि खाली फ्यू यूज करेंगे. अगर ये सिर्फ एक या दो महीने की बात है तो हम कहेंगे फ्यू मंथ्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड है अगो. अगो मींस पहले. एक मिनट में, जब अकेला फ्यू आता है तो वो एक दो मंथ के लिए होता है. यस, फ्यू का मतलब होता है चंद. यानी ये नाउन के लिए यूज होता है ना ये वर्ड. जैसे उर्दू में ये लफ्ज हैं के चंद एक, या हम कहते हैं गिने चुने, या फिर हम कहते हैं काफी, काफी ज्यादा. सो ये हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है कि नाउन जो है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है. अगर वहां पे चीजें या लोग जो हैं सिर्फ गिने चुने या थोड़े से, यानी ना होने के बराबर, तो हम कहेंगे फ्यू. फ्यू पीपल, फ्यू बुक्स, फ्यू स्टूडेंट्स. लेकिन वो थोड़े से कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से ज्यादा है, ना होने से कुछ बढ़ के है. सो हम कहेंगे आ फ्यू. और यानी गिने चुने हैं, लेकिन उससे भी थोड़े ज्यादा है, कंप्लीट फिर भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छे खास से हैं, तो हम कहेंगे द फ्यू. द फ्यू, ठीक, सही, ठीक है मैम. ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ मंथ पहले. अब ये जो वर्ड अगो और बिफोर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अगो जो वर्ड है हम यूज करते हैं जब हम अपनी करंट या प्रेजेंट जो टाइम है उसके साथ उसको अटैच कर रहे हैं. ठीक है, यानी आप इस वक्त बात कर रही हैं तो इस बात से, यानी इस डे से, इस डेट से आप पीछे बता रही हैं कि आज से इतने मंथ पहले, तो आप कहेंगी अगो. लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देती हैं, जैसे यानी मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने ये देखा या मैंने ये सीखा, मैंने ये पढ़ा, यानी आप प्रेजेंट टाइम के साथ उसको अटैच नहीं कर रही अपनी एक्शन को, अपनी बात को, तो यानी किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ अटैच कर रही हैं कि फलां वक्त से या फलां काम से पहले पहले, तो तब आप साथ बिफोर लगाएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो सकता था इट हैपन अ फ्यू मंथ्स बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास, राइट?
लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट टाइम के साथ अटैच कर रहे हैं, कोई साथ कंपैरिजन नहीं है किसी दूसरे एक्शन या किसी दूसरे फिक्स टाइम का, सो हम साथ अगाओ सिर्फ लिखेंगे. व्हेन आई हैड टू अटेंड, जब मुझे अटेंड करना था या मुझे करना पड़ा था. हैज टू हैव टू को हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं जब हमें कोई काम करना पड़ता है, लेकिन जब कोई काम करना पड़ा था तो हैड टू. उसके बाद फर्स्ट एग्जाम सॉरी फर्स्ट फॉर्म जो है वर्क की यूज की जाएगी, टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट एग्जाम. अब यहाँ पे ये देखिएगा, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम अटेंड करते हैं या टेक करते हैं, टेकिंग एग्जाम्स या अटेंडिंग एग्जाम्स. गिविंग नहीं लिखेंगे, टीचर के लिए हम गिव लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उसके लिए टेक या अटेंड लिखेंगे. ओके, फॉर माई अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. यहाँ तक जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. मैम ये भी आपने क्या बताया, अटेंड एग्जाम होता है और दूसरा क्या होता है, टेक. यस, स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स के लिए जी मैम. अब ये है कि द टेस्ट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स टू यूज अ ब्लैक बॉल पॉइंट ब्लैक पॉइंट पेन टू राइट द पेपर. ये टेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं एग्जाम के साथ. तो एग्जाम और स्ट्रिक्टली को हम मैडम चेंज कर सकते हैं उसके साथ सवेयरली या रिग्रेस. हमने यस कल परसों एक वर्ड सीखा है रिजिड रूटीन. यस रिजिडली, जो एग्जाम था वो रिजिडली. अब रिक्वायर्ड मैडम यहाँ पे सेंस इस्तेमाल होगी नीड के लिए. कैंडिडेट्स एप्लीकेंट भी हो सकते हैं. टू यूज अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट द पेपर टू जॉट डाउन द पेपर. आई वॉज श्योर, अब ये है आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था. और अगर श्योर को हम अगर चेंज कर देते हैं तो हम इसको कह सकते हैं आई वॉज सर्टेन या कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड था. और ये दैट मॉर्निंग है, ये वो टुडे मॉर्निंग से दैट मॉर्निंग हुआ है उस सुबह. सर्टेन, ठीक है, सर्टेन नहीं बोलेंगे, सर्टेन. Certain. I was certain, मुझे यकीन था ये that morning convert हुआ है today. वो to morn, वो morning कहते हैं ना today से या to morning से. When I left for the exam, जब मैंने exam के लिए घर से रवाना हुआ. That I had put two pens in my backpack, कि मैंने अपने backpack में दो pens जो है वो डाले थे. अब backpack को हम change कर सकते हैं kit bag में या haversack में. backpack जो है ये backpack का synonym फिर से बताएं. एक मैडम kit bag है और एक है haversack, haver Okay, backpack, कोई भी ऐसा बैग जो है यानी जिसको हम शोल्डर्स पे पुट करते हैं और उसको पैकिंग के लिए यूज किया जाता है. जी ठीक है, घर से कहीं भी जाने के लिए जो हम उसको बैग पैक कह सकते हैं. और सिंपली बेयर के सेंस में लाइक अवर स्कूल बैग. राइट, ओके. अच्छा यहाँ पे आपने कहा दैट मॉर्निंग को टुडे मॉर्निंग के साथ हम अटैच नहीं करेंगे. ठीक है, टुडे मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस दिन की. लेकिन ये तो अ फ्यू मंथ्स अगो जो है वो हैपनिंग की हम बात कर रहे हैं ना, कुछ मंथ पहले की. तो दैट मॉर्निंग का मतलब होगा उस सुबह, ठीक है, नॉट दिस मॉर्निंग. यस, दैट मॉर्निंग एंड दिस मॉर्निंग. जैसे हम कहते हैं टुडे आई एट ब्रेकफास्ट, जो मैं यानी आज मैंने ये काम किया, काम तो हो गया. तो उधर भी फिर हम दैट डे या दैट मॉर्निंग. नो, क्योंकि वो दिन अभी जारी है ना. जी जी, वो डेट बाकी है तो हम कह देंगे दिस मॉर्निंग या टुडे दिस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. ये उसके लिए दिस इस्तेमाल करेंगे, कुछ दिन पहले दैट करेंगे. यस ओके, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट ओके. और उसके बाद देखिए कैंडिडेट. कैंडिडेट हम कहते हैं ऐसे पर्सन्स के लिए जो किसी भी कहीं भी किसी जॉब के लिए जो है अप्लाई करते हैं किसी सीट के लिए. सो कैंडिडेट को हम कह सकते हैं, कंटेस्टेंट भी कह सकते हैं, कंटेस्टेंट. और इसको एस्पायरेंट भी कह सकते हैं,
कंटेस्टेंट एस्पायरेंट. ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं. राइट, और उसके बाद आई हैड पुट टू पेन्स, यानी मैंने दो पेन रखे थे. हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है, सो पुट की तीनों फॉर्म सेम है, पुट पुट एंड पुट. यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो पूछे. ओके, स्टार्ट करें. However, I was not sure of their ink color, so by the time I reached the examination hall, I quickly opened my backpack to check. To my surprise, they were both blue pens. However, I was not sure to their ink color. ताहा मुझे उनके उन पेन्स के का कलर जो था, इंक कलर, उसका उसके बारे में मुझे कोई यकीन नहीं था. सो बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल, सो एन वक्त पे मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा. आई क्विकली ओपन माय बैकपैक, मैंने अपना बैकपैक जल्दी से खोला. टू माय सरप्राइज, तो मैं हैरत ज्यादा रह गया. दे वर बोथ ब्लू पेन, वो दोनों ब्लू पेन थे. मैम क्विकली का इसमें सिनोनिम होगा रैपिडली, बाय द टाइम जो है ऑन टाइम लिख सकते हैं, भी लिख सकते. टू माय सरप्राइज का यही होगा, सरप्राइजिंगली या टू माय सरप्राइज. ओके, ये देखिएगा. आई वॉज नॉट श्योर, जैसे ऊपर हमने सीखा, हम यहाँ कह सकते हैं आई वॉज नॉट सर्टन. आई वॉज नॉट सर्टन. ओके, इसको नोट कर लें. टू माई सरप्राइज, ये भी हम फ्रेज काफी दफा जो है वो सीख चुके हैं. जब हमें कोई, हम खुश होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम उसको उन फीलिंग्स को उस टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टू माई शॉक, टू माई सरप्राइज, टू माई हैप्पीनेस, टू माई प्लेजर, एंड टू माई गुड लक, या फिर टू माई डिसअपॉइंटमेंट. यानी उस अचानक आपको जो फीलिंग्स पहुंचती हैं, आप उनको इन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो बाय द टाइम, इसका मतलब होगा यानी वक्त आने पर, यानी वक्त आने पर जब मैं वहां पहुंचा, वक्त आने पर जब मैंने ये देखा, वक्त आने पर जब ये किया, बाय द टाइम. सो इसको एग्जैक्टली हम यू नहीं लेंगे कि ऑन द टाइम, यानी एंड वक्त पर. राइट, This could have resulted in my answer booklet being disqualified. मेरे किताबचे को, इसके नतीजे में मेरे किताबचे को ना अहल कर दिया गया. And I would have had to take the exam. इसलिए मुझे दोबारा इम्तिहान को लेना पड़ा. Okay, जी देखिएगा. Right. This could have resulted. Could have का यूजेज देख लें. Could have के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. खाली could आए तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म, लेकिन could have उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, resulted. और ये हम तब यूज करते हैं वो एक्शन जो गुजर चुका हो, ठीक है, हमारे साथ हैपनिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ बुरा होते होते रह गया था. बुरा हुआ नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था अगर ये हो जाता. तो हम कहते हैं दिस कुड हैव बिकम, दिस कुड हैव रिजल्टेड, यानी इसका नतीजा निकल सकता था. किस चीज में? इन माई आंसर बुकलेट. बुकलेट कहते हैं स्मॉल पेपर, जो छोटा सा पेपर हो किसी भी चीज का, जैसे हम आंसर शीट कह लें, आंसर बुक कह लें. अक्सर जो हम पैम्फलेट्स देखते हैं, हम जो ब्रोशर देखते हैं, हम उनको भी बुकलेट कह सकते हैं, उनको फ्लायर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी एडवर्टीजमेंट के छोटे छोटे पेपर्स जो होते हैं ना, सिंगल पेपर होता है या दो तीन पेपर्स होते हैं एक साथ. सो हम उसको कह सकते हैं बुकलेट, फ्लायर, पैम्फलेट और ब्रोशर. मैम फोल्डर बोल सकते हैं? फोल्डर, नो, नॉट फोल्डर. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है booklet being disqualified, and I would have had to retake the exam. I would have. अब यहाँ पे would have आ गया, ठीक है? I would have. Would have हम तब use करते हैं जब हम imaginary situation की बात करते हैं कि मुझे ये करना पड़ता, मुझे ये करना पड़ जाता. ये भी हम past जो action गुजर चुका है उसके लिए. सकता था जब situation आ रही हो, सकता था के meaning में हम could have, और ये करना पड़ जाता, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, तब वुड हैव यूज करते हैं. ऊपर है ना कि ये मेरी रिजल्ट शीट जो है वो मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, हो सकती थी. तो हमने खुद हैव लिखा, और अब यहाँ लिखा आई वुड हैव हैड टू रीटेक, मुझे रीटेक करना पड़ जाता. सो रीटेक मीन्स
रीटेक का सिनोनिम बताएं. अगेन, टेक बैक. यस यस, बिल्कुल सही. टेक इन अगेन, यानी दोबारा से किसी चीज को जो है वो देना. ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे कि रीडिंग स्टार्ट करें. Okay, since the exam was held twice a year only, this mistake would not only have cost me valuable time, but also a lot of money for the oncoming exams. साल में सिर्फ साल में सिर्फ ये दो दफा इम्तिहान होता था सिर्फ, और ये जो गलती थी ये सिर्फ मुझे महंगी ना पड़ती टाइम के हवाले से, बल्कि मेरा पैसा भी बहुत ज्यादा इस पे जो है ना वो जाया होता आने वाले इम्तिहान के लिए. ओके, अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा. यहाँ लिखा हुआ है सिंस एग्जाम वाज, सिंस यहाँ पे बिकॉज के मीनिंग में आ रहा है, क्योंकि जो एग्जाम था वाज हेल्ड जो है ये होल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो है यूज हो रही है, ये पैसिव सेंटेंस यूज हो रहा है. एग्जाम वाज हेल्ड पास्ट सिंपल का पैसिव टेंस है, यानी वो हेल्ड होता था. हेल्ड का मीनिंग जो है यहाँ पे ये आ रहा है मुनक्किद होना, कोई तकदीप या कोई वाक्य या कोई ऐसी जो चीज है मुनक्किद होना, उसकी थर्ड फॉर्म है होल्ड हेल्ड. एग्जाम वाज हेल्ड ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो दफा, ठीक है. वंस एक दफा, ट्वाइस दो दफा, थ्राइस तीन दफा, टू टाइम्स इसका सिनोनिम होगा. अजीर ओनली. नेक्स्ट है दिस मिस्टेक वुडंट ओनली हैव कॉस्ट मी, सेम यहाँ पे जो है ना वुड हैव आ गया लेकिन नेगेटिव के साथ आ गया. सो हम जब दो हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हमने नॉट लगाना हो, उनके साथ नॉट अटैच करना हो, तो उनके अंदर लगाते हैं. यू नहीं लिखेंगे वुड हैव नॉट कॉस्ट मी, हम लगाएंगे वुड नॉट हैव कॉस्ट मी. सो यानी ये मिस्टेक न सिर्फ ऐसा कर देती बल्कि ये भी हो जाता. यानी वुड हैव आ गया तो हमने इमेजिनरी सिचुएशन पास्ट के मुताबिक जो टाइम गुजर चुका है उसके बारे में बात करनी है कि ऐसा हो जाता, ऐसा अगर यहाँ पे होता ना हो सकता था, तो फिर हम यहाँ खुद हैव लगाते. सकता था पास्ट की सिचुएशन के बारे में आ रहा है तो खुद हैव. अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता, ये हो जाना था, तो हम वुड हैव यूज करें. This mistake would not only have cost me. Cost me का क्या मतलब है? Cost me उर्दू में तो ये होता है ना कि मुझे महंगा पड़ सकता था, यानी बिल्कुल सही, महंगा पड़ सकता था, कीमत चुकानी पड़ जाती, किसी नुकसान का जो है वो, यानी मुझे अजाला करना पड़ जाता, ठीक है. It would have cost me valuable time. मेरा जो time भी जो है वो जाया हो जाता. But also a lot of, यहाँ पे फिर देख लें, a lot of money. A और lot को अलग अलग लिखा गया है. स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, a और lot को इकट्ठा लिख देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग मीनिंग बन जाता है. फॉर द अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग किसे कहते हैं? अपकमिंग नेक्स्ट एग्जाम, बिल्कुल सही. अपकमिंग नेक्स्ट, आने वाला, जो बिल्कुल नियर हो. Yes. बिल्कुल ही जो करीब हो, उसका सिनोनिम हम कह सकते हैं ऑनवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है. ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे आने वाला. राइट मैम, ये सिंस स्टार्ट में आया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें. सिंस जो है इसके, यानी एक तो हम इसको यूज करते हैं किसी ड्यूरेशन की बात करनी हो, किसी खास हमने अपनी, फॉर एग्जाम्पल हमने कहना हो कि बचपन से ही मैंने ये सीख लिया था. सो हम कहेंगे सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, या सिंस द एज ऑफ 10, 10 साल की एज से ही, या सिंस माई स्कूल लाइफ, अपने स्कूल लाइफ से ही, सिंस माई कॉलेज टाइम, अपने कॉलेज टाइम से ही, राइट. और दूसरा इसको हम बिकॉज के मीनिंग में भी यूज किया जाता है. जैसे हम कहते हैं ना बिकॉज द एग्जाम वॉज हेल्ड ट्वाइस, क्योंकि ये एग्जाम जो है सिर्फ दो दफा यानी मुनक्किद होता था. सो हम बिकॉज की जगह सिंस भी लिख सकते हैं, राइट जी. नेक्स्ट पैराग्राफ फिर आप रीडिंग करें. मैम मैंने पूछना ये था कि अगर टाइम शो हो रहा हो फिर हम सिंस का उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, तो अगर टाइम ना शो हो रहा हो फिर के बिकॉज के मायने में होगा.
यस अच्छा मैम ये जो लिखा हुआ है ट्वाइस आपने थ्राइस भी कहा है तो इसमें फ्राइस और फिफ्थ ऐसे भी चलेगा आगे तक नो नो अच्छा अच्छा इन पैनिक आई लुक्ड अराउंड